बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जब बच्चों की टमी करे यम्मी यम्मी, तो दो मिनट के अंदर ये कॉर्न चाट बनाए मम्मी। ये देखिए, हमने दो तरह की कॉर्न चाट बनाई है, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। इसे जानने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कुकर के अंदर हमने 2 लीटर पानी को बॉईल होने के लिए रखा है। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून के लगभग नमक डालेंगे। भुट्टों की मिठास बरकरार रहे इसके लिए 1 टेबल स्पून शुगर डालेंगे। अब हम इसके अंदर एक एक करके सारे भुट्टों को डाल देते हैं। आप चाहें तो इसके दाने निकाल के भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन दाने निकाल के बॉईल करने से क्या होता है, इसकी मिठास पूरी तरीके से निकल जाती है। हम इसे ऐसे ही बॉईल करते हैं। अब हम ढक्कन लगा के इसको कम से कम 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है। 15 मिनट के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर दी थी और कुकर को अपने आप ही ठंडा होने दिया। चेक करेंगे, भुट्टों का कलर चेंज हो गया और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल हो गए। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप इस तरह का जो कटर होता है ना, उससे भी निकाल सकते हैं। ये इस तरीके से बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। आप चाकू की सहायता से भी आराम से निकाल सकते हैं। और ये हमने सारे भुट्टे के दानों को निकाल लिया। आप चाहे तो इसे फ्रोजन करके भी रख सकते हैं, 6 से 8 महीने के लिए रख सकते हैं। इसमें से आधी क्वांटिटी में निकाल लेंगे, क्योंकि आज हम 2 रेसिपी बनाएंगे ना, इसके लिए अलग अलग करके और 2 भाग कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कटी हुई प्याज डालेंगे, थोड़ी सी कटी हुई खीरा, दोनों 2-2 टेबल स्पून है। टमाटर, 1 मिर्ची को हमने बारीक चॉप कर लिया ही डालेंगे, और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। इसके साथ ही 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून काश्मीरी मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। नींबू का रस निचोड़ेंगे और अच्छी तरीके से सारी सामग्री को आपस में मिला लेते हैं। और लाजवाब और टेस्टी और चटपटी और मिनटों में बनने वाली इस कॉर्न चाट को हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। लास्ट में हम चीज़ डालेंगे। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की तो ये बहुत फेवरेट है। और ये लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी हमारी कॉर्न चाट बन के तैयार है। इसी तरीके से हमने दूसरी फ्लेवर की भी कॉर्न चाट बनाई है। जिसे जानने के लिए मेरे Part 2 वीडियो को ज़रूर देखें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।